हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं गणेश जी के फेस पे कैसे ऑयल पेस्टल से शेडिंग करते हैं वो सिखाऊंगा। तो गाइस, फर्स्ट लेयर पे जहाँ पे एकदम डार्क एरियाज हैं वहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर से सिंपली शेड कर ले रहा हूँ। और गाइस, रेफरेंस फोटो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना। जहाँ पे थोड़े से मिड टोन्स हैं वहाँ पे मैं सिंपली ब्राउन कलर से शेड कर ले रहा हूँ। रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी मैं हल्का ब्राउनिश इफेक्ट देख रहा हूँ वहाँ पे मैं सिंपली लाइट ब्राउन कलर से शेड कर लूँगा, और जहाँ पे लाइट एरियाज हैं वहाँ पे छोड़ के शेडिंग करूँगा। अब ब्राउन कलर के अंदर जहाँ पे भी मैं हल्का येलो सा इफेक्ट देख रहा हूँ वहाँ पे मैं सिंपली डीप येलो कलर से शेड कर लूँगा और हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के शेड करूँगा। अब हाइलाइटेड एरियाज में मैं सिंपली येलो कलर से शेड कर लूँगा, और सूंड में पीछे की तरफ मैं पहले ब्राउन और उसके बाद डीप येलो कलर से सिंपली शेडिंग कर लूँगा। ओके, तो फुल फेस पे शेडिंग हो जाने के बाद मैं कॉटन बर्ड की मदद से पूरे फेस को एक बार अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगा। अब गाइस, फेस के ऊपर की पार्ट पे जहाँ पे भी मैं डार्क एरियाज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वहाँ पे मैं सिंपली इस कलर से शेड कर लूँगा। ओके, तो गाइस, डार्क एरियाज पे शेडिंग हो जाने के बाद मैं मिड टोन्स के लिए यहाँ पे सिंपली ब्राउन कलर से शेड कर लूंगा। अब ब्राउन कलर से शेडिंग हो जाने के बाद मैं सिंपली लाइट ब्राउन कलर से जो भी खाली एरियाज है वहाँ पे मैं सिंपली शेड कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो गाइस, शेडिंग पूरी हो जाने के बाद मैं कॉटन बर्ड की मदद से पूरे एरिया में सिंपली एक बार ब्लेंड कर लूँगा। अब गाइस, इस पार्ट में मैं सिंपली कलर करेक्शन कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा डार्क एरियाज है वहाँ पे मैं डार्क ब्राउन और मिड टोन्स में मैं डीप येलो कलर से सिंपली शेड कर लूँगा, और उसके बाद उस एरिया को एक बार कॉटन बर्ड की मदद से सिंपली ब्लेंड कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ।
तो गाइस बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ऑरेंज कलर से शेड कर लूँगा, और उसके बाद जहाँ पे भी रेड लीफ कलर का इफेक्ट है वहाँ पे मैं सिंपली रेड कलर से लीफ की आकार में शेड कर लूँगा और उसको कॉटन बर्ड की मदद से ब्लेंड कर लूँगा। अब गाइस फेस पे जहाँ पे भी थोड़ा सा ऑरेंज सा इफेक्ट है वहाँ पे मैं सिंपली ऑरेंज और उसके बाद हल्के रेड कलर से सिंपली शेड कर लूँगा और उसको कॉटन बर्ड की मदद से ब्लेंड कर लूँगा। गाइस फ्लावर पे शेडिंग के लिए मैं पहले पिंक, उसके बाद येलो और उसके बाद व्हाइट कलर से सिंपली शेड कर लूँगा और उसको एक बार कॉटन बर्ड की मदद से ब्लेंड कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अब फ्लावर में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं यहाँ पे डीप पिंक कलर से शेड कर लूँगा और रूट एरिया पे मैं ब्राउन कलर से सिंपली शेड कर लूँगा। अब गाइस फेस की डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे कैमल का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं कैसे डिटेलिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। अब गाइस फाइन डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे सिंपली कैमल का पोस्टर कलर यूज़ कर रहा हूँ। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में। बाय।